वेलकम गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्ल कल्चर। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्ल इज़ अ वाइट हाईली शाइनिंग ग्लोबुलर फाउंड विद इन द सेल ऑफ एन ऑयस्टर। तो पर्ल हमें ऑयस्टर से मिलता है और ये शाइनी और ग्लोबुलर होता है, ठीक है। और ये एज ए ऑर्नामेंटल यूज़ किया जा सकता है, मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है। इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बहुत हाई है। और इसको हम सेडिटेंट्री एनिमल कहते हैं, मीन्स ये सेडिमेंट्स में फाउंड होते हैं, इसीलिए इसको सेडेंट्री एनिमल कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट कल्चर इन 1973 इन टूटीकॉरिन। तो टूटीकॉरिन कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तो इंडिया में फर्स्ट ये टूटीकॉरिन में कल्चर्ड किया गया था 1973 में। फाउंड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ कन्याकुमारी एंड इन गल्फ ऑफ कच। तो गल्फ ऑफ कच गुजरात वाले एरिया में ये कल्चरिंग स्टार्ट की गई थी। तो जिस ऑयस्टर को हम कल्चर करते हैं इंडिया में, जिस ऑयस्टर को यूज करते हैं कल्चरिंग के लिए, उसका जीनस है पिनिकाडा लेमिलिडेंस, ठीक है, पिनिकाडा लेमिलिडेंस। तो इस जीनस की ऑयस्टर्स को हम यूज करते हैं पर्ल कल्चरिंग के लिए। और ये लिंगा पर्ल्स कहा जाता है, जिसको बेस्ट क्वालिटी ऑफ पर्ल्स माना जाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन है, किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करती है ये ऑयस्टर, फाइलम मॉलस्का, क्लास बाइवेल्विया, ऑर्डर ऑस्टेरिडा, सुपर फैमिली ऑस्टेरिडा, फैमिली ऑस्टेरिडी एंड जीनस क्रेसोप्टेरिया एंड स्पीसीज राइजोफोरा, ठीक है। और भी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज को यूज़ करते हैं, जैसे कि पिनिकाडा मार्गरेटी फेरा, जो कि ब्लैक लिप पर्ल ऑयस्टर होती है, जिसको बेस्ट क्वालिटी ऑफ पर्ल देने के लिए माना जाता है। नेक्स्ट है पिनिकाडा फ्यूकाटा, जिसको हम अकोया पर्ल ऑयस्टर भी कहते हैं, जो कि बेस्ट क्वालिटी की पर्ल फॉर्म करती है, जो जो कि जापान और इंडिया दोनों में मिलती है। पिनिकाडा वल्गैरिस, जो कि इंडियन पर्ल है, ठीक है। पिनिकाडा मार्टेंसी, जो कि जापान की है, ठीक है। नेक्स्ट है एनाटॉमी ऑफ पर्ल ऑयस्टर। तो जो हमारा ऑयस्टर होता है वो दो फॉर्म में डिवाइडेड होता है, एक होता है शेल, जो कि आउटर पार्ट होता है उसका, और मेंटल, जो कि इनर पार्ट होता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है मदर ऑफ पर्ल, जिसको हम नेकियर लेयर कहते हैं। यही रिस्पॉन्सिबल होता है पर्ल के फॉर्मेशन के लिए। मेनली इट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ ऑयस्टर्स टू फॉर्म अ पर्ल। तो ये क्या करती है कि अपने डिफेंस में किसी भी फॉरेन बॉडी के ऊपर अपना नेकियर लेयर सिक्रीट करते रहती है, जिससे हमको पर्ल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और इस प्रोसेस से पर्ल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो इसमें एनस पाया जाता है, एडक्टर मसल्स पाया जाता है, जिससे वो ओपन और क्लोज होती है। गिल्स भी फाउंड होते हैं, गोनेड्स होते हैं, पी क्रैब यहाँ दिख रहा है आपको, फुट होता है, माउथ होता है, स्टमक होता है और हिंजेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पर्ल कल्चर। तो एक कल्चर पर्ल इज अ पर्ल इनिशिएटेड बाई अ मसल्स और ऑयस्टर फार्मर अंडर कंट्रोल कंडीशन यूजिंग टू वेरी डिफरेंट ग्रुप ऑफ बाइवेल्व मसल्स, दैट इज फ्रेश वाटर रिवर मसल्स एंड सॉल्ट पर्ल ऑयस्टर। तो ऑयस्टर की कल्चरिंग दोनों जगह पे हो सकती है, फ्रेश वाटर में भी और सॉल्ट वाटर में भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्ल फॉर्मेशन। पर्ल का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो ये नेचुरल पर्ल ऑफ्टन कॉल्ड एज ओरिएंटल पर्ल। तो नेचुरल पर्ल की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि हम जानते हैं कि एक ऑयस्टर की लाइफ साइकिल 15 ईयर्स तक की होती है, जिसमें वो 3 to 4 नेचुरल पर्ल्स ही बना पाता है, ठीक है। फॉर्म एन इरिडेंट वर्क इट वे इनटू अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ ऑयस्टर मसल्स और क्लैम एज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द मोलस्क, सीक्रेट फ्लूइड टू कोट इरिडेंट सच एज सैंड ग्रेन्स, मोलस्क एग, पैरासाइट्स और फॉरेन बॉडी। द ऑयस्टर्स और मसल्स स्लोली सीक्रेट्स लेयर ऑफ आर्गोनाइट एंड कॉन्चियोलिन मटेरियल दैट ऑल्सो मेक अप इट्स सेल, इट गोज अंटिल अ लस्टर पर्ल इज फॉर्म। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो पर्ल होती है वो डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ ऑयस्टर से फॉर्म होती है। क्या होता है कि एक कोई भी फॉरेन बॉडी, आइदर ये सैंड ग्रेन्स हो सकते हैं, मलस्क एग हो सकते हैं या पैरासाइट हो सकते हैं, वो क्या होते हैं कि एक ऑयस्टर की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, एक्सीडेंटली। और होता क्या है कि ये जो ऑयस्टर है ये अपने आप को बचाने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म शो करेगा और नेक्रस लेयर सिक्रीट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है।
और ये इसके चारों तरफ नेक्रस लेयर का सिक्रीशन लेयर बाय लेयर करते जाएगा, ठीक है, जिससे कि हमारा पर्ल का फॉर्मेशन होता है, ठीक। और ये कॉन्चियोलिन प्रोटीन जो होता है, ये एक तरह की प्रोटीन है जो कि पर्ल में पाई जाती है, ठीक है, और ये पर्ल फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट, यहाँ पे फिगर के थ्रू हम समझेंगे कि पर्ल का फॉर्मेशन आखिर होता कैसे है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ऑयस्टर में हमारे दो पार्ट होते हैं, दैट इज सेल एंड मेंटल। तो सेल हमारा बाहर का पार्ट और मेंटल हमारे अंदर का पार्ट। तो ये हमारा मेंटल पार्ट है, ये मेंटल इपिथीलियम है, और ये जो बीच में ब्लू कलर के दिख रही है, ये हमारी फॉरेन बॉडी है, ठीक है, और ये मदर ऑफ पर्ल नेकरस लेयर है। तो देखिए यहाँ पे हमारी फॉरेन बॉडी इंटर हुई। नेक्स्ट फिगर में हम देखेंगे कि फॉरेन बॉडी के चारों ओर क्या बनने लगा है, नेकरस लेयर सिक्रीट होने लगा है, और ये होते होते 3-4 ईयर में क्या फॉर्म करती है, पर्ल का फॉर्मेशन करती है। तो मेनली ये नेकरस लेयर के थ्रू ही क्या होता है कि पर्ल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, पर्ल जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, दैट इज कल्चर्ड पर्ल और नेचुरल पर्ल। तो कल्चर्ड पर्ल में आप देख रहे होंगे कि ये हमारा इंसर्टेड न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये जो बाहर का दिख रहा है वो एक सिंगल लेयर ऑफ नेकरस है। तो क्या होता है कि कल्चर्ड लेयर में नेकरस लेयर के सिक्रीशन बहुत ही कम होती है और नॉन पर्ल बॉडी बहुत ही ज्यादा होता है। और नेचुरल पर्ल में क्या होता है कि पूरी की पूरी लेयर क्या रहती है, नेकरस की लेयर रहती है, और बहुत छोटा सा पार्ट जो होता है वो फॉरेन बॉडी का पार्ट होता है, ठीक है। तो नेचुरल पर्ल को बनने में काफी टाइम लगता है, ठीक है, 3 से 4 ईयर लग सकते हैं, और ये बहुत हाई क्वालिटी के पर्ल होते हैं, इसकी वैल्यू भी हाई होती है। और जो हमारा कल्चरल पर्ल होता है वो कल्चर्ड पर्ल मतलब वो आपको बहुत कम टाइम में बन जाएगा, इसका इकोनॉमिक वैल्यू भी बहुत कम है और वेरी कॉमन है, ठीक है, क्वालिटी भी बहुत लो होती है इसकी। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ पर्ल कल्चर। तो पर्ल कल्चर सबसे पहले जापान में स्टार्ट हुआ था, किसके थ्रू, कोकिची मिकीमोटो के थ्रू, ठीक है, कोकिची मिकीमोटो के थ्रू ये स्टार्ट हुआ था। तो इन्होंने क्या किया था कि पर्ल फार्म एस्टेब्लिश किया था जापान में, जिसका नाम तोबा आइलैंड था। क्या नाम था, तोबा आइलैंड, जो कि एक छोटा सा आइलैंड है जापान में। तो इन्होंने क्या किया, अकोया ऑयस्टर्स को लिया और उसमें अपना कल्चरिंग स्टार्ट किया 1899 में, ठीक है, और ये ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए और ज्वेलरी पर्पस के लिए ये कल्चर कर रहे थे पर्ल्स को। नेक्स्ट, इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे दो तरह की इम्प्लांटेशन होती है, दैट इज सिंगल इम्प्लांटेशन एंड डबल इम्प्लांटेशन। तो सिंगल इम्प्लांटेशन कब होता है, जब हम गोनेड्स के नियर इंटेस्टिनल लूप में करते हैं। सेकेंड, डबल इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब हेपेटोपेनक्रियासिस के थ्रू हम इम्प्लांटेशन करते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे 7 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन अ पर्ल कल्चर, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म। सबसे पहले हम फार्म का कंस्ट्रक्शन करेंगे। सेकेंड है कलेक्शन ऑफ ऑयस्टर्स, ऑयस्टर का कलेक्शन करेंगे। थर्ड है रियरिंग ऑफ ऑयस्टर, ऑयस्टर्स को हम पालेंगे। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग ऑफ ग्राफ्ट टिश्यू, ग्राफ्ट टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस, अपने डिजायरेबल न्यूक्लियस, अपने शेप, जो भी डिजायरेबल शेप साइज है उसकी न्यूक्लियस को इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग ऑफ पर्ल, यानी उसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है क्लीनिंग ऑफ पर्ल, और उसको फिर हम मार्केट में सेल कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्ल फार्म। तो यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्ल फार्म इंक्लूड 3 स्टेप्स, दैट आर सेलेक्शन ऑफ फार्म साइट, सुटेबल फार्म साइट को सेलेक्ट करना होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म, ठीक है, वेल प्लान वर्क शेड्यूल। तो हमें सेलेक्शन, सुटेबल साइट को सेलेक्ट करना पड़ता है, वहाँ पे एक फार्म कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है और उसका शेड्यूल अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। तो ये एक हमारा केज है पर्ल कल्चर के लिए, जो कि वुड और नेट से मिलके बना हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द कल्चर। तो क्या क्लाइमेटिक कंडीशन होना चाहिए, तो टेम्परेचर जो है वो हमारा 20 to 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। सेलिनिटी 30 PPT होना चाहिए। बॉटम ग्रेवली होना चाहिए, यानी वहाँ पे छोटा छोटा स्टोन्स हो। नेक्स्ट है डेप्थ जो है हमारा 15 होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर 15 मीटर। नेक्स्ट है गुड फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्शन, वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और मॉडरेट वाटर करंट होना चाहिए, फ्लडेड एरिया को हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हम केजेस लगा रहे हैं तो हमारे केजेस डिस्ट्रॉय ना हो, इसीलिए मॉडरेट वाटर करंट हमें चाहिए, या फिर जो बहुत शांत एरिया है उस तरह की एरिया पे हम ये कल्चरिंग करते हैं। नेक्स्ट है
नार्कोटिनाइजेशन। तो ये क्या होता है, नार्कोटिनाइजेशन इज अ सेलेक्टेड ऑयस्टर्स बाय स्प्रिंकलिंग मेथनॉल इन द सी वाटर। तो जब हम मेथनॉल को सी वाटर में स्प्रिंकल करते हैं तो हमें बेस्ट क्वालिटी के ऑयस्टर्स मिल जाते हैं और उसको हम सेलेक्ट करते हैं फॉर द कल्चरिंग। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑयस्टर्स। तो ऑयस्टर्स का कलेक्शन कैसे होता है, तो सुटेबल मंथ है जुलाई टू नवंबर में। द स्पार्स आर इजली अवेलेबल, जो ये छोटे छोटे स्पार्स आपको दिख रहे हैं ऑयस्टर्स के, ये वहाँ पे इजली अवेलेबल होते हैं ड्यूरिंग जुलाई टू नवंबर। तो हम इसको कलेक्ट करते हैं फॉर द कल्चरिंग ऑफ ऑयस्टर। नेक्स्ट है स्पेशल टाइप ऑफ केजेस। तो हमें इस तरह की केजेस की नीड होती है फॉर द कल्चरिंग ऑफ पर्ल और ऑयस्टर। तो ये इस तरह की केजेस को हम पानी के अंदर डालते हैं और इसका कल्चरिंग करते हैं। इसका मेजरमेंट होता है 84 × 54 × 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। नेक्स्ट है द डाइवर्स सेट आउट द बॉटम ऑफ द सी द कलेक्ट द ऑयस्टर। तो जो डाइवर्स होते हैं वो सी के बॉटम तक जाते हैं और वहां से जा करके स्पार्ट्स को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है नर्सिंग। तो नर्सिंग में क्या होता है, इम्प्लांटेड ऑयस्टर आर प्लेस्ड इन द केजेस। तो जिसमें इम्प्लांटेशन हो चुका है न्यूक्लियस का, उसको केजेस में डाल देते हैं, फिर उसको 3 to 4 days के लिए हीलिंग के लिए रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेड ऑयस्टर जो भी होते हैं या फिर वाउंडेड ऑयस्टर जो होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट हेल्दी इम्प्लांटेड ऑयस्टर आर ट्रांसफर टू द कल्चर्ड केज एंड सस्पेंडेड एट द डेप्थ ऑफ 2 to 3 meters। तो जो हेल्दी और सेलेक्टेड कल्चर्ड ऑयस्टर्स होते हैं उसको 2 to 3 meters पानी के अंदर रख के कल्चर किया जाता है। नेक्स्ट है रियरिंग ऑफ ऑयस्टर। तो रियरिंग कैसे करते हैं, स्टॉक एंड रियर्ड इन स्पेशल टाइप्स ऑफ केजेस कॉल्ड रियरिंग केज। तो जिस केज में हम ऑयस्टर की कल्चरिंग कर रहे हैं उसको हम रियरिंग केजेस कहते हैं, ठीक है। द कलेक्टेड ऑयस्टर आर क्लीन एंड प्लेस्ड इन अ कल्चर केज। तो जो कलेक्टेड ऑयस्टर होते हैं उसको क्लीन किया जाता है अच्छे से, उसके बाद उसको कल्चर केज में डाल दिया जाता है आफ्टर 10 to 20 days। रियरिंग केज से कल्चर केज में कब डाला जाता है, 10 to 20 days में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अच्छे से दिया है, ये कल्चर्ड पर्ल है और ये नेचुरल पर्ल है। तो कल्चर्ड पर्ल में आप देखेंगे कि नॉन पर्ल बॉडी सबसे ज्यादा है और बस कुछ ही लेयर ऊपर की जो है वो थिन कोटिंग ऑफ नेक केयर है, ठीक है, दैट इज आवर पर्ल। और ये नेचुरल पर्ल में आप देख रहे होंगे कि पूरी की पूरी बॉडी किससे बनी हुई है, पर्ल की ही बनी, यानी पूरी की पूरी नेकरस लेयर की ही बनी है। तो ये रियल वाला पर्ल है और ये कल्चर्ड पर्ल है, ठीक है। नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस। अब हम न्यूक्लियस को कैसे इंसर्ट करेंगे, न्यूक्लियस बेसिकली वो होता है कि जिस शेप और साइज के हम पर्ल बनाना चाह रहे हैं वो उस डिजायरेबल शेप का हमें न्यूक्लियस तैयार करना पड़ता है, ठीक है। तो फॉलोइंग स्टेप्स आर डन इन इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो इंसर्शन करने के लिए हमें कुछ फॉलोइंग स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं और एक निशिकावा मेथड का भी यूज करते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि एडक्टर्स मसल ओपन हो जाए इजिली, इसीलिए हम ऑयस्टर को पहले हॉट वाटर में फिर कोल्ड वाटर में रख के ट्रीट करते हैं, ठीक है। उस मेथड को क्या कहते हैं, निशिकावा मेथड, जिससे हमारा पर्ल का लिप जो है वो ओपन हो जाए और इजिली हम उसमें न्यूक्लियस इंसर्ट कर पाए। तो इंसर्ट करने के लिए फिटनेस ऑफ ऑयस्टर फॉर ऑपरेशन, इंसर्शन ऑफ ग्राफ्ट टिश्यू, प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियस, इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड पोस्ट ऑपरेशनल केयर करना होता है। और इसके ड्यूरिंग में हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हमारा गोनेट्स होता है, ठीक है, उसको हम निकाल देते हैं ताकि हमारा पर्ल जो है वो अच्छे से ग्रो हो पाए ज़्यादा स्पेस के साथ। नेक्स्ट है फिटनेस ऑफ ऑयस्टर फॉर द ऑपरेशन। तो क्या है, एज हमारा 1.5 to 2 years होना चाहिए, ठीक है, ऑयस्टर की। वेट 25 grams होना चाहिए। स्टेज ऑफ मैच्योरिटी स्पेन रेस्टिंग एज एंड ओवर ऑल हेल्थ गुड एंड फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। उसमें कोई भी इन्फेक्शन या वाउंड नहीं होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए ऑयस्टर। नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ ग्राफ्ट टिश्यू। तो हम इंसर्शन कैसे करते हैं ग्राफ्ट टिश्यू का, तो द पीस ऑफ टिश्यू विच इज इंसर्टेड इन साइड द मेंटल इज कॉल्ड ग्राफ्ट टिश्यू। तो जिस चीज को हम जिस टिश्यू को मेंटल के अंदर हम डाल रहे हैं, इनर पार्ट में जो डाल रहे हैं, उसको हम ग्राफ्ट टिश्यू कहते हैं। ए डोनर ऑयस्टर इज सेक्रीफाइज टू ऑब्टेन मेंटल। तो डोनर ऑयस्टर को हम सेक्रीफाइस करते हैं मेंटल को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है 2 to 3 mm ऑफ स्क्वायर मेटल पीसेस आर प्रिपेयर्ड। तो 2 to 3 mm का स्क्वायर मेटल पीसेस तैयार किया जाता है। मेटल इज नीडेड बाय द होस्ट ऑयस्टर टू एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। तो मेंटल लेयर काफी ज्यादा जरूरी है ताकि उसमें हम होस्ट ऑयस्टर को न्यूक्लियस को एक्सेप्ट कर पाए।
ठीक है, नहीं तो फिर हमारा पर्ल बनेगा नहीं। मेंटल लेयर में ही तो हम पर्ल को इंसर्ट करते हैं ना, न्यूक्लियस को इंसर्ट कर रहे हैं पर्ल फॉर्मेशन के लिए, और वही जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है नेक्रस लेयर के सिक्रीशन के लिए। और विदाउट नेक्रस लेयर सिक्रीशन हमारा जो पर्ल है वो बनेगा ही नहीं, इसीलिए हमारे लिए मेंटल लेयर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है द न्यूक्लियस, हर्ट ऑफ द पर्ल। तो न्यूक्लियस को हम हर्ट ऑफ द पर्ल कहते हैं। एनी स्मॉल पार्टिकल में फंक्शन एज ए न्यूक्लियस। तो देखिए इस कोई भी स्मॉल पार्टिकल्स हम ले सकते हैं, या फिर कोई पेंडेंट ले सकते हैं, ठीक है, किसी भी सेप साइज का, ताकि हम उसके अंदर न्यूक्लियस को इंसर्ट करें और इसी सेप साइज की हमें क्या मिले, पर्ल मिल पाए। नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसके लिप्स को ओपन करने के लिए एक वुडन ब्लॉक लेना पड़ता है और उसके मुंह में रखना पड़ता है, और एक फोर्क से हमें क्या करना पड़ता है कि उस न्यूक्लियस को मेंटल कैविटी में डालना पड़ता है। तो ऑयस्टर्स आर फिक्स्ड इन अ डेस्क लैम्प पोजिशन एंड राइट वेल फेसिंग अपवर्ड। नेक्स्ट है मेंटल फोल्ड्स आर टच स्मूथली फोल्डेड बाय इंसर्शन ऑफ इपिथीलियम ऑफ द फुट। तो इपिथीलियम लेयर में हम क्या करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट है इन द सिलेंडर चैनल वन ग्राफ्ट टिश्यू विच फंक्शन एज अ बेड फॉर द न्यूक्लियस। तो जो ग्राफ्ट टिश्यू है वो एज अ बेड वर्क करती है न्यूक्लियस के लिए, ठीक है, यानी उसी में न्यूक्लियस को रखा जाता है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेशनल केयर। अब इंसर्शन के बाद हमें कुछ पोस्ट ऑपरेशनल केयर भी करनी होगी। तो वो है सस्पेंडेड इन अ फ्लोटिंग राफ्ट टू अ डेप्थ ऑफ 2 to 3 meter अबाउट 6 to 7 days टू रिकवर फ्रॉम द शॉक्स एंड द पीरियड इज कॉल्ड रिकवरी पीरियड। तो इस पीरियड में हम क्या करते हैं कि जो भी कल्चर्ड पर्ल जो है, ऑयस्टर्स जो है, उसको हम एक बोट के या फिर राफ्ट के सहारे क्या करते हैं, पानी में 2 to 3 meter के अंदर डाल देते हैं फॉर 6 to 7 days, और इसको हम रिकवरी पीरियड मानते हैं क्योंकि जो हमने ऑपरेशन किया है न्यूक्लियस को इंसर्ट करने के लिए वो अच्छे से क्योर हो पाए। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग ऑफ पर्ल। तो पर्ल को हार्वेस्ट करना इजी है। पर्ल आर हार्वेस्टेड आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर के, 3 to 4 ईयर के अंदर अंदर पर्ल को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम दिसंबर टू फेबररी। तो इंसर्शन न्यूक्लियस को इंसर्ट करने के लिए सबसे अच्छा टाइम माना जाता है दिसंबर टू फेबररी का। नेक्स्ट है, और दिसंबर टू फेबररी में हम क्या करते हैं कि जो पर्ल है उसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्लीनिंग ऑफ पर्ल। तो पर्ल को हम डिस्टिल वाटर से क्लीन करते हैं और सॉल्ट से अच्छे से उसको वॉश करते हैं, ठीक है, साइन करने के लिए। आफ्टर टेकिंग आउट पर्ल फ्रॉम द ऑयस्टर सेल दे वॉश क्लीन विथ सोप सॉल्यूशन। और सोप सॉल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं, या तो डिस्टिल्ड वाटर का, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन। तो पर्ल किससे मिलके बना है? तो पर्ल कंप्राइजेज ऑफ वाटर। वाटर उसके अंदर 2 to 4% होती है। ऑर्गेनिक मैटर 3.5 to 5.9%। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो 90%, और रेसिड्यू बाकी के चीजें 0.1 to 0.8%। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो क्या क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है हमारे पर्ल्स का? तो इम्पोर्टेंस ऑफ टू कल्टीवेटर। तो मीट की तरह उसको खाया जाता है मेंटल लेयर को। सेल्स आर मोस्टली पर्ल्स, तो उसके सेल का भी यूज किया जाता है, और पर्ल को मार्केट में सेल करते हैं एज अ ऑर्नामेंटल और या फिर ज्वेलरी के लिए। इम्पोर्टेंट टू बिजनेस। तो प्रोवाइड ऑयस्टर टू रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट्स में ऑयस्टर को खाया जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी कैल्शियम होता है, कैल्शियम रिच फूड माना जाता है, और इससे मेडिसिंस भी बनती है। प्रोवाइड पर्ल फॉर ज्वेलरी। पर्ल से ज्वेलरी बनाई जाती है। प्रोवाइड ऑयस्टर सेल कैन बी यूज एज एन ऑर्नामेंटल, सजाने के पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है, ठीक है। तो थैंक गाइज, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक।